भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं और लाइक वीडियो को भी कर दें। बने रहें, जुड़े रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप लोगों का सिद्धार्थ लाइव परिवार में। मेरा नाम है सिद्धार्थ शुक्ला, मैं कर रहा हूं अपना मास्टर्स फ्रॉम एनआईडी तिरची। लेकर आ गए एक और जबरदस्त वीडियो। यहां पर हम बात करने वाले हैं एमटेक स्टूडेंट लाइफ एट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैदराबाद। बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, अपने आप में इसका कंपैरिजन आईआईटी से होता है। हाँ, यही वही इंस्टीट्यूट है जहां पर एप्पल आती है। वैसे भी आपको पता है एक या दो कॉलेजेस में ही एप्पल आती है इंडिया के अंदर, और ट्रिपल आईटी हैदराबाद में आती है। तो इतने गजब कॉलेज का रिव्यू लेकर आ गया हूँ एमटेक के बारे में। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो इसके बाद लाइक शेयर सब्सक्राइब आपका मिल जाना चाहिए मुझे। चलिए बात करते हैं ट्रिपल आईटी हैदराबाद के बारे में। ट्रिपल आईटी हैदराबाद क्या हुआ, 1998 में एज ए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे खुला। ये पहला एक इंस्टीट्यूट था जिसको पीपीपी मॉडल पे खोला गया। ठीक है, पीपीपी मॉडल क्या होता है, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप। अगर इसके बारे में आप नहीं जानते हो तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया है, आई बटन में उसका लिंक दे दिया है, तो उधर से जाके देख लीजिए, आपको समझ में आएगा। ये एक नॉट प्रॉफिटेबल इंस्टीट्यूट है। ये प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं, एजुकेशन देने के लिए ओपन किया गया। ओपन किसे किया, नास्कॉम, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिलकर इस इंस्टीट्यूट को ओपन किया था। अब ये इंस्टीट्यूट तेलंगाना में पड़ता है, क्योंकि अब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो चुका है, हैदराबाद अब तेलंगाना की कैपिटल बन चुकी है। अब बात कर लेते हैं इसकी लोकेशन की। तो लोकेशन के बारे में आप देखिए, आपकी स्क्रीन दिख रही होगी, स्क्रीन दिख रही है दोस्तों आप लोगों को। चलिए स्क्रीन में देखिए आप लोग लोकेशन कैसे पहुंचना है। देखो, या तो आप लोग क्या पढ़ सकते हो, लोकेशन में वैसे पढ़ लू, ये सारा इंफॉर्मेशन मैं आपको बताता भी जाता हूँ। देखिए यहाँ पे दो स्टेशन है, ठीक है, रेलवे स्टेशन। ये रेलवे स्टेशन का नाम है लिंगमपल्ली और एक का नाम है नामीपल्ली। हैदराबाद स्टेशन को नामीपल्ली बोलते हैं। नामीपल्ली से आप बस मेट्रो ऊबर से जा सकते हो, या फिर आप लिंगमपल्ली पर जाओ, लिंगमपल्ली से भी आप ट्रेवल कर सकते हो। ये जो है मतलब ट्रिपल आईटी हैदराबाद है, इंस्टीट्यूट से थोड़ा सा हैदराबाद मेन सिटी से थोड़ा सा बाहर है, आईटी कैंपसेस के पास में है। आप देख सकते हो यहाँ पे लोकल ट्रेवल, मीटर टैक्सी, मीटर ऑटो, डायरेक्शन फ्रॉम हैदराबाद एयरपोर्ट से भी दिया गया है पूरा का पूरा, तो आप देख सकते हो। अब एक बार रैंक्स की तरफ गौर कर लीजिए आप लोग। रैंक देखिए इसकी, क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग 351 से 400 है। एनआईएफ रैंकिंग इंडिया में अगर आप देखोगे ओवरऑल तो 101 से 150 के बीच में है। यूनिवर्सिटीज में देखोगे 78 है, और इंजीनियरिंग में इसकी रैंक 43 है, आउटलुक में 16 है। देखो यार, एनआईएफ रैंकिंग में कंप्लीटली मत जाना,
क्योंकि एनआई रैंकिंग बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करती है। अपने आप में ये आईआईटी जो बहुत सारे आईआईटी जो बहुत सारे एनआईटी से भी बेहतर है, मैं सच में आप लोगों को बताता हूँ। लेते ब्रांचेस की, तो ब्रांचेस के लिए देखिए अगर यहाँ पर एमटेक में चार ब्रांचेस हैं, ठीक है। पहली ब्रांच का नाम है एमटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग सीएसई, एमटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी सीएसआईएस, एमटेक कंप्यूटर एडिड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग और एमटेक बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ठीक है, जिसे बायो इन्फॉर्मेटिक्स को बंद कर दिया गया है। अब ये ब्रांच यहाँ पर आप रन नहीं होगी 2020 के बाद से, ठीक है। एमटेक सीएसई में क्या होता है, हर साल करीब 100 से ज्यादा बच्चों का एडमिशन होता है, कोई सीट मैट्रिक्स फिक्स नहीं होती है, अभी 109 की स्ट्रेंथ समझ लो आप। इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी सीएसआईएस में 10 स्टूडेंट्स का एडमिशन किया गया था, और सेम फॉर द कंप्यूटर एडेड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के लिए सीएसई के लिए, ठीक है। तो आप लोग अब ऐसे समझिए, जो सीएसई है ये आपके सिविल के लिए स्पेशली खोली गई थी, ठीक है। तो आप लोगों को ब्रांचेस की इन्फॉर्मेशन मिल गई। अब आपको बताए एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में, गेट से आते हैं क्या? नहीं, गेट से नहीं आते। यहाँ पे जो एडमिशन होते हैं वो पीजीडब्ल्यूई के थ्रू होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू। इसमें क्या होता है, रिटन होता है और इसका इंटरव्यू होता है। रिटन में क्या होता है, एक पेपर होता है टेक्निकल का, एप्टीट्यूड का, मैथ्स का, और दूसरा पेपर होता है यहाँ पर मतलब जो भी टेक्निकल का है, ठीक है। तो बिल्कुल गेट के सेम पैटर्न होता है, पूरा गेट का सिलेबस आता है। आप ये समझिए करीब 15,000 से 20,000 लोग हर साल इस पेपर के लिए अप्लाई करते हैं, 400 से 500 लोग इंटरव्यू के लिए आते हैं, और 100 से 150 लोग यहाँ पर सिलेक्ट होते हैं हर साल। ब्रांच के लिए आपको अलग से अप्लाई करना पड़ता है, ये गेट के बेसिस पे नहीं लेता है। अब बात कर लें स्टाइपमेंट की, अगर ये गेट के बेसिस पे नहीं ले रहा तो स्टाइपमेंट का क्या, देखो क्या है, अगर आपने गेट क्लियर किया है तो आपको स्टाइपमेंट मिलेगा एमटेक करने के लिए 12,400, और अगर गेट क्लियर नहीं किया है तो आपको स्टाइपमेंट नहीं मिलेगा। सिंपल सा एक लॉजिक है। स्टडी वगैरह को, अटेंडेंस को लेकर, स्टडी बहुत अच्छी है सार, मतलब मोस्ट ऑफ द प्रोफेसर्स आपको आईआईटीज के मिलेंगे, एनआईटीज के कुछ मिलेंगे, कुछ फॉरेन यूनिवर्सिटी के मिलेंगे। इस यूनिवर्सिटी का कोलैबोरेशन आप ही समझिए, यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, एमआईटी वगैरह, बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज का इसका कोलैबोरेशन है। अटेंडेंस के यहाँ पे 5% मार्क्स होते हैं, तो अगर अटेंडेंस आपकी कम होती है तो 5% मार्क्स कट हो जाएंगे। लैब्स की बात करें, लैब्स बहुत सुपर है, बहुत अच्छी कंप्यूटर लैब्स बनी हुई है, प्रोसेसर्स बहुत हाई, कोडिंग कल्चर बहुत सुपर है। बिना कोडिंग कल्चर के तो IIIT हैदराबाद का नाम ही नहीं होता, IIIT हैदराबाद का तो नाम ही होता है कोडिंग कल्चर की वजह से, बसता है नाम IIIT हैदराबाद का। स्टडी का बताऊं यहाँ पर IIT से कंपैरिजन में क्या डिफरेंस है, यहाँ पर जो फर्स्ट ईयर वो काफी डिफिकल्ट होता है। आप जब एडमिशन लोगे तो एकदम से आपको ऐसा लगेगा कि यार कहाँ आ गया यार, पैनिक हो जाओगे, परेशान हो जाओगे, क्योंकि कोर्स मतलब यहाँ पर एक APS करके है, APS का मतलब यहाँ पर क्या है, एडवांस प्रोग्रामिंग सॉल्यूशंस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, आपको बहुत सारे प्रोग्राम्स कोडिंग वगैरह सिखाते हैं, प्रोजेक्ट्स वगैरह कराते हैं, लेकिन एट एंड ऑफ द डे जब आप अपने सेकेंड ईयर में हो गए तो आपको लगेगा कि यार कॉलेज ने जो सिखाया ना उसका बहुत फायदा आया, अगर उस टाइम मैं चिल कर लेता तो शायद उतना अच्छा नहीं कर पाता। इसी चक्कर में IIIT हैदराबाद का प्लेसमेंट भी आपको लास्ट में पता चलेगा कितना ज्यादा अच्छा है। लेते फीस वगैरह की, तो यहाँ पर आप फीस का देख लीजिए, फीस आप देख पा रहे होगे अगर एमटेक में एडमिशन ले रहे हो तो आपको 1.5 लाख रुपीज फीस लगने वाली है। आपको यहाँ पे आप देख पा रहे होगे आपको चार्ज किया जाएगा 75,000 रुपीज, जिसमें आपके हॉस्टल और मेस का होगा, पूरा कंबाइंड होगा। अब बात कर लेते स्पोर्ट्स फैसिलिटी की, स्पोर्ट्स फैसिलिटी बहुत अच्छी है, मतलब आपको ग्राउंड मिल जाएगा, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस, मतलब ठीक ठाक सब कुछ अच्छा सा मिल जाएगा, ठीक है। हॉस्टल की बात करें तो हॉस्टल का नाम, एक ही हॉस्टल है एमटेक के स्टूडेंट्स के लिए, उसका नाम है पलास निवास, ठीक है। वहां पर क्या होता है, एक फ्लोर पर फर्स्ट ईयर के बच्चे रहते हैं, दूसरे फ्लोर पर सेकंड ईयर के बच्चे रहते हैं। खाने के लिए भी परेशान मत होइए, यहाँ पे चार चार मैस खोली है, एक इंडिया नॉर्थ मैस, एक का नाम है साउथ मैस, एक का नाम है कदम, युक्तार काफी हेल्दी मैस है, मतलब अच्छा खाना मिलता है। कदम मतलब नॉर्थ, मतलब नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया मिक्स मिलता है, और नॉर्थ इंडिया जो साउथ इंडिया मैस है उनमें मतलब सेपरेट कर दिया गया है। बाकी बात मतलब करते हैं टी हब की, यहाँ पर टी हब क्या है, टी हब है यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, इसके बारे में पूरा लिखा है, उसको रोक के ना पढ़िए एक बार, आपको समझ में आएगा टी हब क्या है। यहाँ पर एक एंटरप्रेन्योर सेल बनाई गई है गवर्नमेंट की तरफ से, बहुत सारे बच्चे इंटर्नशिप्स के लिए कई बार यहीं पर हायर हो जाते हैं कैंपस के अंदर ही। अब आपको इंटर्नशिप का भी सीन बताता हूँ, कॉलेज आपको इंटर्नशिप प्रोवाइड नहीं करता है, आप इंटर्नशिप खुद से जुगाड़ सकते हो, क्योंकि हैदराबाद सिटी ऑफ आईटी स्टूडेंट्स, और आप जानते हो कॉलेज भी आईटी से रिलेटेड है, तो इंटर्नशिप आपको आराम से मिल जाएगी, कॉलेज सपोर्ट कर देगा, पर कॉलेज में कोई इंटर्नशिप के लिए ज्यादा कंपनीज नहीं आती हैं, कई बच्चे तो बहुत सारे टी हब में ही सिलेक्ट हो जाते हैं। रिसर्च के मामले में अगर IIIT हैदराबाद की बात करें तो बहुत बेहतर है, बहुत अच्छी रिसर्च होती है, IIT से भी काफी अच्छी रिसर्च होती है। अगर प्लेसमेंट्स की बात करें हम यहाँ पर, एमटेक में क्या था, सीएससी में 92 बच्चे थे, 92 के 92 प्लेस हो गए, इस पैकेज यहाँ पर जो था 49 का था, और एवरेज पैकेज 24 का था, मिनिमम पैकेज 12 लाख का था, 100% प्लेसमेंट था। सीएसआईएस में 23 बच्चे थे, 23 के 23 प्लेस हो गए, 46 हाईएस्ट पैकेज था, 22 एवरेज पैकेज था,
12 मिनिमम पैकेज था, 100% प्लेस में। सीएससी में 17 बच्चे थे, 16 बच्चे प्लेस हो गए, एक अनप्लेस रह गया 10। अब हो सकता है उसको पीएचडी करना हो, ये भी हो सकता है एक रीजन। 10 लाख का यहाँ पर हाईएस्ट पैकेज था, 6 लाख का एवरेज, 4 लाख का मिनिमम, क्योंकि ये सिविल की ब्रांच है 94%। बायो इन्फॉर्मेटिक्स में 4 बच्चे थे, 3 का प्लेसमेंट हो गया, हाईएस्ट पैकेज 11 का, मिनिमम पैकेज 3 का, 75% प्लेसमेंट था। 4 ही ब्रांच है, 4 का प्लेसमेंट आप देख सकते हो। रिक्रूटर्स देख लीजिए आप, अगर आप सोच रहे हो यहाँ पर आने की, तो आप सॉफ्टवेयर में देख रहे हो तो कितने अडोब, गूगल, हुवाई, एचएसबीसी, जियो, सैमसंग सारे हैं, ठीक है। अगर उसके बाद आप सोच रहे हो अगर आप बायो इन्फॉर्मेटिक्स के लिए, तो ये देखिए मैथवर्क्स, मेंटोर, एनवीडिया, क्वाडकॉम, ठीक है, ये कंपनीज हैं। स्ट्रक्चरल के लिए आप देख सकते हो यहाँ पर आपको सेलवर्क्स मिल जाएगी, ड्यू पॉइंट मिल जाएगी, टीसीएस मिल जाएगी। लोगों का डाउट रहता है कंपैरिजन करना है, आईआईटी हैदराबाद वर्सेस ट्रिपल आईआईटी हैदराबाद, ओल्ड आईआईटीज वर्सेस ट्रिपल आईआईटी हैदराबाद, ओल्ड एनआईटीज वर्सेस ट्रिपल आईआईटी हैदराबाद। अगर आपको टॉप 7 आईआईटी मिल रहा है या आपको टॉप 3 एनआईटी मिल रहा है या टॉप 4 एनआईटी मिल रहा है, तो आप प्रेफर कर सकते हो ओवर ट्रिपल आईआईटी हैदराबाद। अगर आप रिसर्च में जाना चाहते हो तो आप आईआईटीज पे भी के ऊपर भी प्रेफर कर सकते हो अपने ट्रिपल आईआईटी हैदराबाद को। अगर आईआईटी हैदराबाद वर्सेस ट्रिपल आईआईटी हैदराबाद करोगे तो मैं आपको बताऊं आपके आईआईटी हैदराबाद में थोड़ा सा एआई को लेकर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर और मशीन लर्निंग को लेकर काफी ज्यादा काम होता है। तो ट्रिपल आईआईटी हैदराबाद एक तरीके से देखा जाए रिसर्च वगैरह के मामले में अभी आईआईटी हैदराबाद से अच्छा है। तो अगर आप प्रेफर करने की सोच रहे हो तो आप प्रेफर कर सकते हो, अगर आपको एआई वगैरह में इंटरेस्ट है तो आप आईआईटी हैदराबाद को प्रेफर कर सकते हो। कोडिंग कल्चर ट्रिपल आईआईटी हैदराबाद में थोड़ा सा ज्यादा अच्छा है। बाकी अगर ट्रिपल आईआईटी हैदराबाद तो बेस्ट ट्रिपल आईआईटी है, उसके नीचे फिर आप, मैं बता चुका हूँ, ट्रिपल आईआईटी बेंगलोर का नाम आता है, वो बहुत अच्छा है। बाकी ये छोटा सा कंपैरिजन था ट्रिपल आईआईटी हैदराबाद के बारे में। छोटी सी करते हैं अपनी बात, आपने अभी तक हमारी वेबसाइट को विजिट नहीं किया तो करियरली मेट आपको बगल में स्क्रीन दिख रही होगी, आप लोगों के लिए बनाई गई है एमटेक स्टूडेंट के लिए, तो प्लीज एक बार साइट को विजिट करिए। हमारे दोस्तों ने ही बनाई है तो जरूर विजिट करना, बिल्कुल जरूरत है आप लोगों को। आशा करता हूँ आप लोगों का कंटेंट अच्छा लगा हो तो नमस्कार, बने रहिए, जुड़े रहिए, देखते रहिए सिद्धार्थ लाइव, शेयर जरूर करते रहे, लोगों तक पहुंचा दो ये सारा कंटेंट, ठीक है। नमस्कार, बाय बाय।